अरे वाह राध्या, तुम तो कितना अच्छा गाना गाती हो। मैम, मदर्स डे आने वाला है ना, इसलिए मैं इस गाने को याद करके अपनी मम्मी को सुनाना चाहती हूँ। वाह राध्या, ये तो आपने सही याद दिलाया। बच्चों, क्या आपको पता है मदर्स डे आने वाला है? और आपको पता है हम मदर्स डे कब मनाते हैं? हम मदर्स डे मनाते हैं मई महीने के दूसरे रविवार को, जो कि इस साल 12 मई को है। तो हम इस साल 12 मई को मदर्स डे यानी अपनी मम्मी के लिए दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैम, इस मदर्स डे पे मैं अपनी मम्मी के लिए क्या कर सकती हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी मम्मी के लिए। तो बच्चों, आइए चलते हैं, हम इस मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए बनाते हैं अपनी मम्मी के लिए कुछ स्पेशल और करते हैं एक गतिविधि। इस गतिविधि के लिए चाहिए हमें कलरफुल पेपर्स, एक रबर बैंड, स्केच पेन, कैंची, आइसक्रीम स्टिक्स तथा ग्लू। अब हम किसी भी रंग के कागज को लेकर एक बार सीधी तथा एक बार उल्टी तरफ मोड़ते हुए इसे पंखे जैसी आकृति में बनाएंगे और अब इसके एक सिरे को रबर बैंड की सहायता से बांध देंगे। अब हम अन्य कागज द्वारा फूल तथा पत्तियां बनाएंगे और इन फूल तथा पत्तियों पर हम अपनी माता जी का सुंदर सुंदर नाम लिखेंगे तथा इसके अलावा जो हम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब हम ग्लू की सहायता से इन फूल तथा पत्तियों को पंखे वाली आकृति पर इस प्रकार चिपका देंगे। अब हम इस बैज को इसी प्रकार अथवा एक आइसक्रीम स्टिक पर लगाकर भी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य तरीकों से भी अपने बैज को सुंदर तथा आकर्षक बना सकते हैं। ये देखिए, हमारा सिंपल तथा होल्डिंग बैज तैयार है। छोटे बच्चे एक सिंपल सा बैज बनाने के लिए एक कागज पर स्माइली तथा कुछ स्टिकर्स चिपकाकर या फिर स्माइली तथा एक कार्ड जिसको बनाने के लिए वे अपनी मैम की हेल्प ले सकते हैं, इसको आइसक्रीम स्टिक पर चिपकाकर तथा साथ ही इसमें अपनी माताजी की फोटो लगाकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, हम इसी तरह अन्य प्रकार के बैज भी बना सकते हैं और उन्हें अपनी ड्रेस पर लगाकर अपनी मम्मी के प्रति अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं। अरे वाह मैम, ये बैज तो बहुत सुंदर बने हैं, इसे तो मेरी मम्मी देख के बहुत खुश हो जाएंगी। ये बात तो है कि ये बहुत ही सुंदर बने हैं। मैम, मैं अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो भी इतना सारा काम करती हैं, तो हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, हमारी मम्मी हमारे लिए सबसे स्पेशल होती है, तो हम उनके दैनिक कार्यों में उनकी सहायता कर उन्हें स्पेशल फील करवा सकते हैं। जैसे कि मम्मी अगर बाहर से काम करके आई है या उन्होंने घर में काम किया है तो हम उनके लिए पानी लाएं। जब मम्मी कोई भी कार्य कर रही हो तो उस कार्य में उनका हाथ बटाए। जैसे कि मम्मी अगर झाड़ू लगा रही हो तो उनके साथ साथ हम डस्टिंग का कार्य करें। इसके साथ साथ जब मम्मी खाना बनाती है तो हम खाना परोसने में और झूठे बर्तनों को स्थान पर रखने में भी उनकी सहायता कर सकते हैं। जब कभी हमारी मम्मी को थकान अनुभव हो तो हम अपने प्यारे प्यारे कोमल हाथों से अपनी मम्मी को हेड मसाज और हम उनके कंधों की मसाज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए, और हम इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। वेलकम बेटा। बच्चों, माँ को स्पेशल फील करवाना उनका अधिकार है और इसके साथ साथ एक अधिकार और है, वो पता है आपको क्या? तो बच्चों, इस समय चल रहा है हमारे देश में चुनाव का पर्व, तो आप सभी अपनी मम्मी को चुनाव के इस पर्व में अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए अवश्य कहें और साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद बच्चों।